हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का कॉमर्स का सिलेबस। ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। सो कॉमर्स में आपका सेमेस्टर सेकंड में जो भी सिलेबस है वो सारा हम यहाँ पर करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक एंड नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, चैलेंजेस ऑफ नेटवर्किंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। लॉजिस्टिक एंड नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्या होता है लॉजिस्टिक एंड नेटवर्क। लॉजिस्टिक इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ रिसोर्सेस, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन इन ऑर्डर टू मीट सम रिक्वायरमेंट्स। क्या बोला है कि लॉजिस्टिक क्या होता है? मैनेजमेंट होता है फ्लो ऑफ रिसोर्सेस का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही होगी लॉजिस्टिक प्लान पुश एंड पुल का। ठीक है, लॉजिस्टिक प्लान यहां पर बताया गया है एंड ये फैक्ट्री है, इससे मटेरियल जो है वो पहुंच रहा है कस्टमर्स के पास, देन कस्टमर जो है उसको ऑर्डर दे रहे हैं फैक्ट्री को एंड ये मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। सो यहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है एंड पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन जो है, उन दोनों के बीच में जो फ्लो होता है किसका, रिसोर्सेस का। ठीक है, जो रिसोर्स फ्लो हो रहे हैं, जो भी चीज प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर को फैक्ट्री से, सो उन चीजों को मैनेज करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक जो भी रिसोर्सेस फ्लो हो रहे हैं उनको मैनेज करना। लॉजिस्टिक नेटवर्क एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें हमारे पीपल्स का भी लॉजिस्टिक होता है, टेक्नोलॉजी का, एक्टिवेशन का, इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी लॉजिस्टिक में आती हैं। देन द लॉजिस्टिक ऑफ फिजिकल आइटम यूजली इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एक्सेट्रा। देखो, अगर लॉजिस्टिक हम किसी फिजिकल आइटम का करें, फिजिकल आइटम दैट इज वी कैन सीन एंड टच। ठीक है, कोई भी फिजिकली प्रोडक्ट है जिसको हम देख या छू सकते हैं, उसका अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन फ्लो का कि उसमें लॉजिस्टिक क्या होते हैं, देन यहाँ पर जो मटेरियल है उसकी हैंडलिंग आ जाती है, प्रोडक्शन, फिर उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग, देन उसकी इन्वेंट्री, फिर एक जगह से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट होता है, देन अगर डिमांड नहीं होती तो उसके वेयर हाउसेज होती है। देन यहां पर क्या बोला है कि लॉजिस्टिक जो है वो क्या है, मैनेज करना पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जहां प्रोडक्शन हो रहा है, सो प्रोडक्शन से लेके जब तक वो कस्टमर के पास पहुंच रहा है, ठीक है, जब तक वो कस्टमर के पास पहुंच रहा है, उन सारी चीजों में जो है उसका फ्लो को मैनेज करना। व्हाट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, पिक्चर आपको दिख रही है यहां पर, रिवर्स लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन कम्युनिटी। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल सप्लाई। सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, सो रॉ मटेरियल की सप्लाई हो रही है, देन यहां पर ये मैन्युफैक्चरर हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटर जहां भी पहुंचाना है उन गुड्स को, देन यहां पर होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस तक प्रोडक्ट पहुंचता है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, सप्लाई चेन कम्युनिटी एंड ये रिवर्स लॉजिस्टिक। देन हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक नेटवर्क क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें हम लॉजिस्टिक किसको बोल सकते हैं, पीपल का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है, इंफॉर्मेशन का हो सकता है, एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व मूविंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है, वहां से जो भी सामान या जो भी चीज जा रही है कस्टमर के पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। अब चाहे वो स्टाफ हो, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई फिजिकल चीज हो, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी आ जाती हैं लॉजिस्टिक में। देन इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट वन इज प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल
एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज टू मीट द कंज्यूमर नीड एट अ प्रॉफिट। सो डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया है कि प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना एंड कंट्रोल करना जो भी फिजिकल फ्लो है, फिजिकल फ्लो चाहे वो मटेरियल का हो या किसी फिनिश्ड गुड का हो, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से निकलकर जहां पर वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वहां तक पहुंचने में जो भी चीज हो रही है उसको कंट्रोल करना एट अ प्रॉफिट। जैसे हमने ये वाली पिक्चर देखी, इसमें क्या है, यहां से रॉ मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है एंड ये कस्टमर है। सो यहां से लेके यहां तक जब भी कोई भी चीज जा रही है, कोई प्रोडक्ट ये बना रहा है ट्रांसपोर्ट करके उसको होलसेलर रिटेलर से पहुंचा के कस्टमर तक पहुंचा रहा है, देन वो ये चीज किस लिए करता है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है। एंड यहां पर जो सारी चीजें फ्लो हो रही है, मतलब मटेरियल जो है, इसने जो प्रोडक्ट बनाया वो यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर वही प्रोडक्ट गया होलसेलर के पास, देन वो गया रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास। सो जो ये प्रोडक्ट है उसको प्लान करना, कंट्रोल करना, वो सारा प्रोडक्ट जो है फिनिश गुड हो चाहे कोई भी मटेरियल हो, उसको ओरिजिन से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक जो भी प्लानिंग, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आता है उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की तरफ से डेफिनेशन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग। इसमें भी यही है कि प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना एंड कंट्रोल करना, इफिशियंट एंड इफेक्टिव फ्लो, इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड। अब देखो यहां पर जो गुड्स होते हैं हमारे, उनकी तीन स्टेजेस होती हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, ठीक, देन सेकेंड वन इज, सेकेंड जो होगी वो हो जाएगी हमारी प्रोसेस इन्वेंट्री, इन प्रोसेस, ठीक है, देन थर्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी जो भी फिनिश गुड है। रॉ मटेरियल मतलब जो ऐसे कच्चा माल पड़ा हुआ है वो हमारा रॉ मटेरियल में आ जाता है। देन सेकेंड है हमारा इन प्रोसेस, जो बन रहा है अभी कंप्लीटली रेडी नहीं हुआ है। एंड थर्ड में क्या है, जो फिनिश गुड्स है, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो यहां पर भी यही बोला है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि कस्टमर तक जो पहुंचना है, अब चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो या फिनिश गुड हो, उन सारी चीजों का इंप्लीमेंट करना, प्लान करना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको भी कंट्रोल करना कंजप्शन तक पहुंचने तक, ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं हम, लॉजिस्टिक बोलते हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक। ये हो जाएगी हमारी लॉजिस्टिक की डेफिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि जहां से जो भी प्रोडक्ट है वो बन रहा है मैन्युफैक्चरर से, यानी कि ओरिजिन क्या, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से कस्टमर तक पहुंचने तक उसका जो भी फ्लो है, जो भी रिसोर्सेज है, उनका जो फ्लो है उसको प्लान करना, कंट्रोल करना लॉजिस्टिक कहलाता है, ठीक है। देन हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं लॉजिस्टिक के। सो फर्स्ट वन इज लोकेशन। सो लोकेशन क्या होती है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो होता है वो फैसिलिटीज देता है लोकेशन की, कि कहां से जो है ये सारे ऑपरेशन होंगे एंड कहां जाकर वो उसकी डेस्टिनेशन होगी, उस प्रोडक्ट की किस कस्टमर को वो सेल किया जाएगा। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो है वो लोकेशन के बारे में डिसाइड करती है, ठीक है, कि साइज एंड नंबर क्या होगा लॉजिस्टिक फैसिलिटीज का, जैसे मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, वेयर हाउस हो गया, होलसेल हो गया, रिटेल हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों का क्या क्या लोकेशन होगी, कहाँ कहाँ होंगी, ये सारी चीजें। एंड लॉजिस्टिक जो है वो अलग लेवल पे भी कुछ चीजें इफेक्ट करती है, जैसे इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। जैसे प्रोडक्ट जो है जहां पर प्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या होता है, होलसेलर के पास जाएगा, देन रिटेलर के पास जाएगा, अगर वो जो है जो भी गुड्स है वो बच गए, देन वेयर हाउस हो जाएगा उसका, ठीक है। अब यहां से यहां लाने में, फिर यहां ले जाने में, इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। उन सारी चीजों की लोकेशन जो होती है वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। देन सेकेंड है हमारा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो। अभी हमने देखा था कि लॉजिस्टिक में जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सप्लाई चेन में होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, ठीक है,
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम इजीली किसी को भी पहुंचा सकते हैं एंड उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट करता है। देन नेक्स्ट है हमारा कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर का जो ऑर्डर होता है उसकी प्रोसेसिंग करना। सो कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है, परचेज जो भी की है बायर ने उसमें सारी डिटेल होती है कि क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट की, क्वालिटी क्या है, उसका क्या प्राइस है, क्या डिलीवरी स्केड्यूल है एंड पेमेंट टर्म्स क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें गिवेन होती हैं, जो भी कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग है उसमें सारी चीजें जो भी प्रोडक्ट की आ जाती है जैसे प्राइस, ठीक, एंड जो भी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें उसमें कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमारी आ जाएंगी। देन नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट बन गए हैं, ठीक है, जो हमारा स्टॉक होता है, ठीक है, तो स्टॉक को ही तो इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टॉक जो होता है, जो भी प्रोडक्ट है उसको इन्वेंट्री बोलेंगे। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होता है, ये जो होता है, ये जो भी इनफ इन्वेंट्री है कस्टमर, मतलब कस्टमर का जो जरूरत थी वो पूरा करने के बाद जो इन्वेंट्री बच रही है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। सो उसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, ठीक है, सो उसको वेयर हाउस कर देते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है कि जितना भी कस्टमर की डिमांड है, ठीक है, उस डिमांड के हिसाब से उसको सप्लाई किया जाए प्रोडक्ट को, ठीक, एंड जितनी भी डिमांड है उस हिसाब से एडिक्वेट सप्लाई हो उसकी एंड गुड क्वालिटी हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ये कहाँ पर इंश्योर की जाती है, जहां से जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो रहा है, जैसे होलसेलर है, ठीक है, एंड रिटेलर है, तो जो प्रोड्यूसर है वो किससे ये इन्फॉर्मेशन गेन करेगा कि होलसेलर के पास जो है कितनी क्वांटिटी है एंड कितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड है। सो उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब उसके बाद आता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, गुड्स को स्टोर करना, ठीक है, जो भी फिनिश गुड है उनको स्टोर करना, जहां पर वो स्टोर होते हैं उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिस्टिक के व्यू से। इसमें क्या होता है, फर्म की एबिलिटी जो है जितनी भी डिलीवर करने की है प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी वो वेयर हाउस कर लेती है। अब इसमें जो है वेयर हाउसिंग में भी कई सारी चीजें आती हैं जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को देखनी होती है कि वेयर हाउसिंग की लोकेशन क्या होगी, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हमारी जो भी लोकेशन है उस पर, उस लोकेशन पर कितनी क्वांटिटी हमारी प्रोडक्ट की रहेगी, ठीक है, एंड क्या साइज रहेगा, ये सारी चीजें हमारी वेयर हाउसिंग में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही है कि जैसे जो प्रोडक्ट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जब पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक जा रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन से ये डेस्टिनेशन तक जा रहा है, सो यहां से लेके जो यहां तक जाएगा उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिस भी तरीके से वो जा रहा है उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे कि एक जगह से ट्रांसफर होके दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। सो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, गुड्स को सप्लायर से बायर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। देन गुड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा कई तरीके से हो सकता है, बाय रोड भी हो सकता है, ठीक है, बाय एयर भी हो सकता है, बाय वाटर भी हो सकता है, ठीक, ये सारी चीजें आ जाएंगी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स आ गया या लोकेशन ऑफ कस्टमर आ गया, तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे नेचर ऑफ गुड में कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बाय वाटर नहीं जा सकते या बाय रोड नहीं जा सकते, ठीक है, सो वो ट्रांसपोर्टेशन उस हिसाब से डिसाइड होता है जैसे गुड्स होते हैं या जैसी कस्टमर की लोकेशन होती है। देन है हमारा मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, जो इन्वेंट्री मूवमेंट की स्पीड है सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, सो मटेरियल हैंडलिंग के कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं सप्लाई चेन के द्वारा, एंड इसमें जो है मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन होता है मटेरियल हैंडलिंग में, ठीक।
ठीक है, इम्प्रॉपर मेथड अगर मटेरियल हैंडलिंग का यूज करेंगे देन उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा एंड डिलीवरी जो है वो नहीं हो पाएगी ठीक से। सो इस वजह से मटेरियल को, मतलब मटेरियल हैंडलिंग, जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी, सो उसमें जो बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, वो जो जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसमें जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेफली पैक होता है। सो इसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग, की जो भी प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से हैंडल करना है। अगर आपने कोई भी शीशे का प्रोडक्ट मंगाया है, ऐसा प्रोडक्ट मंगाया है जो इजीली ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, देन उसको बहुत अच्छे से पैकेज किया जाता है, ठीक है, वो मटेरियल हैंडलिंग में आ जाएगा। देन लास्ट है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से पैकेज किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पैकेजिंग का, कि गुड्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कस्टमर को उसकी पैकेजिंग कैसी है, ठीक है। प्रोडक्ट पैकेजिंग जो होती है वो एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। एंड लॉजिस्टिक पैकेजिंग जो है वो क्या करती है, लॉजिस्टिक पैकेजिंग का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोटेक्शन हो, ठीक है। सो इस प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिसीजंस भी लिए जाते हैं, जैसे मटेरियल जो भी यूज होता है पैकेजिंग में वो कैसा यूज होगा, या कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग क्या होगी, एंड डिजाइन ऑफ पैकेजिंग या मार्किंग लेबलिंग भी इसमें आ जाता है। जो पैकेजिंग होती है उसी पे ही हम मार्किंग या लेबलिंग कर देते हैं। सो ये हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक, कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लोकेशन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, एंड कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग एंड पैकेजिंग। ये हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक। देन नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, बिजनेस नेटवर्किंग इज लीवरेजिंग द बिजनेस एंड पर्सनल कनेक्शंस टू ब्रिंग अ रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यू बिजनेस। नेटवर्किंग क्या है, जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही है यहां पर, पर्सनल कनेक्शन, ठीक है, या लीवरेजिंग हम कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनल कनेक्शन जो भी बिजनेस है उसको उसकी सप्लाई करने के लिए पर्सनल कनेक्शंस को यूज किया जाए, उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। बिजनेस नेटवर्किंग इज लो कॉस्ट एक्टिविटी। नेटवर्किंग जो है वो क्या है, लो कॉस्ट एक्टिविटी है। लो कॉस्ट एक्टिविटी की इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। देन दैट इन्वॉल्व्स मोर पर्सनल कमिटमेंट, इसमें पर्सनल कमिटमेंट होती है। एंड बिजनेस नेटवर्किंग वेबसाइट हैव ग्रोन ओवर रीसेंट ईयर ड्यू टू द इंटरनेट एबिलिटी। बहुत सारी नेटवर्किंग साइट्स आपने देखी होंगी, वेबसाइट्स, ये टाइम के साथ बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेट एबिलिटी है हमारी वो इंक्रीज हो रही है। एंड टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो बाय इंटरनेट। सो नेटवर्किंग क्या है हमारा, नेटवर्किंग जो है वो लीवरेजिंग बिजनेस है एंड पर्सनल कनेक्शन को लेके आना सप्लाई करने के लिए बिजनेस की। कई सारे बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस नेटवर्किंग को कॉस्ट की वजह से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कम कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट होती है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, पर्सनल कमिटमेंट यूज होती है। लोकल बिजनेस कम्युनिटी भी इस चीज को यूज करती है। एंड बिजनेस नेटवर्किंग साइट जो है वो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड ये किसकी वजह से हो रही है, इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से, ठीक। सो नेटवर्किंग क्या है, कि जो भी बिजनेस है वो बिजनेस पीपल क्या करते हैं, पर्सनल कनेक्शन को यूज करते हैं, लीवरेज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एंड यहां पर हम नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नेटवर्किंग कैन बी सिंपल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। नेटवर्किंग हम कह सकते हैं कि कोई भी सिंपल एक्सचेंज है किसी भी इंफॉर्मेशन का लोगों के बीच में, उसको हम नेटवर्किंग बोल सकते हैं। और इट कैन जस्ट एज इजिली टेक प्लेस व्हेन समबडी पोस्ट एन अनाउंसमेंट अबाउट अ जॉब ऑन अ वेबसाइट। देखो नेटवर्किंग को हम क्या कह सकते हैं, कि कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल जो है वो इंफॉर्मेशन का सिंपली एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कोई भी एक पर्सन है, उसने क्या किया, अनाउंसमेंट किया जॉब के बारे में अपनी वेबसाइट पर, कि यहां पर जो है एक जॉब वैकेंसी है एंड ये जॉब प्रोफाइल है, ये क्वालिफिकेशंस चाहिए। सो ये क्या हुई, एक इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है, अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हुई जो उस पर्सन ने अनाउंस की। सो यहां पर किसके थ्रू हुआ, ये वेबसाइट पे उसने अनाउंस की एंड इंटरनेट के थ्रू हुआ, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग। देन हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंस है नेटवर्किंग के। फर्स्ट वन इज शेयर्ड नॉलेज। शेयर्ड नॉलेज का मतलब क्या है,
कि आपके पास जो भी नॉलेज है आप नेटवर्क के थ्रू उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। इसमें जो है आप नॉलेज बेस पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि नेटवर्किंग जो है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, एंड यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कि कोई भी चीज जो है वो कैसे मेटरलाइज हो रही है। देन नेक्स्ट है हमारा कनेक्शंस। सो कनेक्शंस क्या होता है, इसमें कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी लोग हैं उनके नेटवर्क में, उनके कनेक्शन में जो भी और लोग आते हैं वो क्या करते हैं, उसके थ्रू अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं, उससे बेनिफिट कमाना चाहते हैं, जो भी सर्विसेज है, ठीक है। तो जो भी पर्सन उनके कनेक्शन में है, जैसे हमने ये वाली पिक्चर अभी देखी कि मान लो ये पर्सन है ए, ठीक है, इसके कनेक्शन में कौन कौन है, ये है, ये है, एंड इधर होगा, ठीक है। सो इसके कनेक्शन में जो भी लोग हैं उनके थ्रू ये अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है एंड उसको सप्लाई कर रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन के बाद प्रमोशन, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रमोशन होता है, टाइम को सेव करता है और रिस्क को कम करता है। प्रमोशन का मतलब है कि आपका जो भी बिजनेस है आप अपने बिजनेस को प्रमोशन पोस्ट वगैरह करा के उसकी सेल इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं एंड अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। आपका जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा एंड इससे आपकी सेल्स और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो प्रमोशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्किंग के लिए। देन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो भी चीज है, जो भी नेटवर्किंग में इंफॉर्मेशन है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, किसी नेटवर्किंग साइट पर जाते हो, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, बिजनेस लीड्स मिलती है एंड इंफॉर्मेशन मिलती है। देन है स्किल्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्किल। डेवलपिंग स्किल इज अ बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग जो है वो खुद में एक स्किल है, जैसे जितना ज्यादा नेटवर्क, जितना ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे, जितना ज्यादा ग्रो करेंगे, वो क्या माना जाएगा, आपका एक स्किल माना जाता है। सो जो भी बिजनेस पीपल है, जो भी नेटवर्किंग करते हैं, सो उनको ये स्किल आना चाहिए। ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कनेक्ट हो लोगों से, ठीक है। देन है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जो भी लोग हैं आपके आसपास उनसे इस तरीके से उनको उनसे बातचीत करें जिससे वो इन्फ्लुएंस हो कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसकी तरफ वो पॉजिटिव इफेक्ट दें, ठीक है। सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से बात करें लोगों से जिससे वो इन्फ्लुएंस हो एंड जो भी काम आप कर रहे हैं उसको वो पॉजिटिव वे में ले, ठीक है। देन है इंक्रीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या हो, इंक्रीज हो। अगर आप रेगुलरली नेटवर्किंग करते हैं देन आप जो है पुश करते हैं खुद को दूसरों से बात करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए या बिजनेस की ग्रोथ के लिए कि जो कॉन्फिडेंट है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग साइट्स आपने बहुत सारी देखी होंगी। सो उसमें क्या होता है, शेयर नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज होती हैं बहुत सारी एंड इसमें सबसे ज्यादा कनेक्शन का यूज होता है कि जो भी आपके कनेक्शन है, जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फैमिली रिलेटिव्स जो हैं उनका यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करना। प्रमोशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। यहाँ पर जो नेटवर्किंग है उसको भी हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का स्किल है एंड इससे जो है इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं उन पर इस चीज का पॉजिटिव इफेक्ट पड़े एंड वो आपकी चीजों से इन्फ्लुएंस हो। देन ये क्या करता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। देन हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ नेटवर्किंग, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं नेटवर्किंग के, ठीक है। अभी हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं एंड चैलेंजेस का मतलब किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है नेटवर्किंग में, ठीक है। कन्विंसिंग पीपल, बहुत ज्यादा एक टफ टास्क होता है लोगों को कन्विंस करना, ठीक है। नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी लोग, जिन भी लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो है इन्फ्लुएंस करना या उनको कन्विंस करना उस चीज के लिए जिस पे आप उनको एग्री करना चाहते हैं, ठीक है।
देन है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना मतलब लोगों के सामने अपनी इमेज जो है नेटवर्किंग की या जो भी कंपनी है उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज बनाना, एंड जो भी चीज़ें हैं जो भी रिलेशनशिप हैं उनको और बेटर बनाना। क्रेडिबिलिटी का मतलब कि जो भी बिजनेस है उसको अच्छे कनेक्शन में शो करना, ठीक है, अच्छे तरीके से शो करना। तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करना भी, बिल्ड करना भी नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। देन है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों तरीके से हो सकती है नेटवर्किंग, बट ऑनलाइन में क्या होता है ज़्यादा बेटर रहता है कि आप ऑनलाइन जो है लोगों से कनेक्ट हुए हुए, एंड ऑफलाइन का मतलब जो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हैं उनसे जो जो कनेक्शंस होते हैं उसको हम ऑफलाइन बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन जो है वो ज्यादा बेस्ट रहता है, बट यहाँ पर एक सक्सेसफुल रिलेशन बिल्ड करना ऑनलाइन नेटवर्किंग के थ्रू फेस टू फेस नेटवर्किंग में वो और ज्यादा बेटर रहता है लोगों के साथ काम करने में। देन है डेवलपिंग पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी यानी कि अपने बिजनेस की पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, देन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। देन स्टेइंग अहेड, इसमें जो है ये चैलेंज रहता है कि हमें जो है वो सबसे आगे रहना है। स्टेइंग अहेड मतलब ऐसी चीजें कम करनी है, अपने बिजनेस को ऐसा बनाना है कि उसमें हम जो है बाकी सारी कॉम्पिटिटिव फॉर्म से आगे रहें, एंड जो भी चीजें हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी मार्केट है उसमें हम आगे रहें, मॉडिफाइड रहें, एंड जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें हम अपडेट रहें, ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, एंड इसमें आगे रहना चैलेंज है। ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट किया एंड बंद कर दिया, इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो इसमें क्या है, नेटवर्किंग जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी की भी जो रिलेशनशिप है या आपको जो भी बिजनेस चला रहे हैं, जो भी लोगों से कनेक्ट हैं, तो उनको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एंड उनकी जो भी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, एंड यहाँ पर नेटवर्किंग के ये सारे आपके चैलेंजेस हो जाएंगे। लोगों को कन्विंस करना, क्रेडिबिलिटी बनाना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रेजेंट रहना, एंड पर्सनैलिटी डेवलप करना, सबसे आगे रहना, एंड ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब कि टाइम के साथ चलते रहना, ठीक है। सो ये चैलेंजेस हो जाएंगे नेटवर्किंग के। देन हम देखेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो क्या है। द चैलेंजेस आर मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी है लॉजिस्टिक को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम में आ जाता है हमारा बैड रोड कंडीशंस, ठीक है, पुअर कनेक्टिविटी, इनएडिक्वेट एयर एंड सी पोर्ट कैपेसिटीज, एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है, जैसे हमें जो भी हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से है उससे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट्स को बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिन से जब हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर तक पहुँचाना है प्रोडक्ट को, तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में क्या बोला है इसमें कि ट्रांसपोर्ट में हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बैड रोड कंडीशन हो गई, ठीक है, पुअर कनेक्टिविटी हो गई, एयर या सी पोर्ट की कैपेसिटी बहुत कम होती है, आपको जितने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने उतने नहीं हो पाते। देन है डेवलपमेंट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मोड्स मीन्स कि बाय एयर बाय वाटर, ठीक है, ये होते हैं मोड्स, बाय एयर बाय वाटर बाय रोड, ठीक। एंड ट्रांसपोर्ट बाय रोड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्रेट मूवमेंट विद इन इंडिया। इंडिया में जो फ्रेट मूवमेंट होता है उसके लिए रोड फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद अ लार्ज चंक ऑफ गुड्स ओवर 65% बीइंग मूव्ड बाय रोड, मतलब रोड जो है हमारा उसको एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर बोला है कि 65% जो हमारा फ्रेट है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, बाय रोड, ठीक है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें भी आ जाएगा, और इसमें भी लॉजिस्टिक ऑपरेशन की स्मूथ फंक्शनिंग की जरूरत है। देन नेक्स्ट है हमारा डिले एंड स्पॉइलेज। डिले एंड स्पॉइलेज में क्या आ जाएगा,
ह्यूज ट्रैफिक जैम्स, ये क्या हो गया, ट्रैफिक जैम से क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। जैसे मान लो आज जो है 10 डेट है एंड 12 तक जो है वो आपका लॉजिस्टिक जो है वो पहुंचना था डेस्टिनेशन तक, बट यहां पर आपको बीच में जो भी ट्रांसपोर्ट है वहां पर आपको डिले हो गया ड्यू टू ट्रैफिक जैम एंड लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हैव रिजल्ट इन डिले एंड स्पॉइलेज ऑफ सर्टेन गुड्स। सो इसमें क्या बोला है कि ट्रैफिक जैम की वजह से डिले हो जाता है एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इस वजह से क्या हो जाता है, कुछ गुड्स की स्पॉइलेज भी हो जाती है, जैसे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी स्पॉइलेज हो जाती है। इंटर स्टेट चेक पोस्ट, इंटर स्टेट मतलब कि जो स्टेट है हमारी, बहुत सारी स्टेट है इंडिया में, सो उसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र से हम लेते हैं, ठीक है, राजस्थान जा रहा है, ठीक, सो यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई हमारी, एंड जो इंटर स्टेट चेक पोस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अनऑथोराइज्ड होते हैं, अनऑथोराइज्ड होल्ड अप करते हैं हाईवे पर, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो जा रहा था उसको यहाँ पर रोक लिया गया चेक पोस्ट पर, सो उससे भी बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग का मतलब अभी मैंने बताया था कि जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसको स्टॉक करना, ठीक है, सो फूड सेक्टर हैज बीन वन दैट हैज सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज चेन एंड अलाइड मशीनरी। वेयरहाउसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत किसे पड़ती है, फूड सेक्टर को। फूड सेक्टर को क्यों पड़ती है जरूरत, क्योंकि यहाँ पर जो जो भी इनका स्टॉक होता है वो क्या होता है, स्पॉइलेज हो जाता है, ठीक है, स्पॉइल हो जाता है, इस वजह से इसको जो है वो फूड सेक्टर को जो है वो वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। अब वेयर हाउसिंग में जो है कम इन्वेस्टमेंट की वजह से कोल्ड स्टोरेज नहीं होती या कोई जो जो भी मशीनरी की जरूरत है वो नहीं होती, सो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। देन लास्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रेजेंस होने की वजह से पुअर हैंडलिंग होती है और डिले होता है गुड्स की डिलीवरी में, ठीक है, जो भी रोड फैसिलिटीज है उसमें 85% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की होती है एंड इस वजह से जो पुअर हैंडलिंग है और डिले हो जाता है गुड्स की डिलीवरी में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोई भी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं करता ऑपरेशंस की तरफ, ठीक है, इस वजह से ये एक प्रॉब्लम होती है लॉजिस्टिक नेटवर्क में हमारी, ठीक है। सो लॉजिस्टिक सेक्टर के हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के, फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, देन सेकेंड है डिले एंड स्पॉइलेज हो जाती है, एंड इंटर स्टेट चेक पोस्ट, प्रॉब्लम ऑफ वेयर हाउसिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो ये सारे हमारे चैलेंजेस हो जाएंगे। आज की वीडियो में हमने पढ़ा लॉजिस्टिक एंड नेटवर्क्स के बारे में कि क्या होता है लॉजिस्टिक एंड नेटवर्क, लॉजिस्टिक की डेफिनेशन एंड इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन नेटवर्किंग क्या होती है एंड इसके इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर के चैलेंजेस। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।